मूवी की शुरुआत में हम एक घुड़सवार व्यक्ति को देखते हैं जिसने एक लड़की को बंधक बनाया हुआ होता है और वो किसी जंगल के बीच से होकर गुजरता है। जंगल के अंदर दो लोग आग जलाकर खाना पका रहे होते हैं और आपस में ही कुछ डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तभी उनके पास वही घुड़सवार आता है जिसे देखकर उनमें से एक कहता है कि पेट्रोविच वापस आ गया। घुड़सवार जिसका नाम पेट्रोविच होता है वो इन दोनों का साथी होता है और बताता है कि उसे ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, बस ये लड़की मिली, जिसके बाद उनमें से एक इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ एक और घुड़सवार आ जाता है जिसके शरीर से कई सारे सींग निकलने लगते हैं और वो एक एक करके तीनों को मार देता है। इसके बाद वो उस लड़की की तरफ बढ़ता है और उसके गले पर अपने चाकू से वार करता है, जिसके बाद उस लड़की के शरीर का खून बहते हुए उस रहस्यमय घुड़सवार के अंदर समा जाता है और हम ये समझ पाते हैं कि ये रहस्यमय घुड़सवार किसी तरह का डीमन यानी कि शैतान है। इसके बाद फिल्म 1829 के समय में मुड़ जाती है जहाँ सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक डिटेक्टिव नेम कोवलेस्की और उसका असिस्टेंट नेम निकोलाय किसी हत्या के वारदात के लोकेशन पर आए होते हैं जहाँ एक लड़की का हत्या हुआ था। कोवलेस कहता है कि ये मिस ओटोन शिंक्या एलान है जिनका हत्या कर दिया गया और लाश थोड़ी बहुत जली हुई है, मतलब किसी ने लाश को जलाने की कोशिश की। वो अपने असिस्टेंट निकोलाय से सारी बातें लिखने को कहता है और तभी वारदात सीन पर एक और डिटेक्टिव जिनका नाम याको पेट्रोविच होता है आते हैं और कोवलेस्की से मिलते हैं। वो दोनों वारदात सीन की जांच कर ही रहे होते हैं कि तभी निकोलाय को दौरे पड़ने लगते हैं और उसे कुछ विजन्स नजर आते हैं जिसके असर में वो अनजाने में कागज पर कुछ नाम लिख देता है। डिटेक्टिव याको पेट्रोविच निकोलाय के पास जाते हैं और पीछे से कोवलेस बोलता है कि अब तुम्हें फिर से दौरा पड़ गया, जिस पर याको पेट्रोविच पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम गोगल है। निकोलाय अपना फुल नेम गोगल निकोलाय बताता है और दोनों डिटेक्टिव फिर से इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि मिस ओटांचिकिया एलेना किसी व्यापारी से शादी करने वाली थी और शायद कोई मिस ओटांचिकिया एलेना के घर चोरी के इरादे से आया होगा और उसी ने ये हत्या की, जिनकी बात को निकोलाय काटते हुए कहता है कि हत्यारा उस लेडी को बहुत अच्छे से जानता था। निकोलाय की बातें सुनकर कोवलेस कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गए, लेकिन डिटेक्टिव याको पेट्रोविच निकोलाय से उसका कागज मांगता है जिस पर उसने वॉल्केनो क्रॉस और लैम लिखा था। इसे पढ़कर डिटेक्टिव याको पेट्रोविच पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, जिसके जवाब में निकोलाय कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, ये सब उसके हाथ ने खुद से लिखा। पर कोवलेस्की कहता है कि वॉल्केनो मिस ओटांचिकिया एलेना के घोड़े का नाम है, जिस पर याको पेट्रोविच घोड़े की देखभाल करने वाले नौकर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। डिटेक्टिव याको पेट्रोविच उस नौकर जिसका नाम वेनिया होता है के गले से उसका लॉकेट जो कि एक क्रॉस होता है छीन लेते हैं। वो क्रॉस को ले जाकर मिस एलेना के हाथ में बने क्रॉस के निशान से मिलाते हैं जो परफेक्टली फिट हो जाता है, क्योंकि ये निशान उनके हाथ पर तब आए होंगे जब अत्यारे ने उन्हें मारने की कोशिश किया होगा। इस बात से डिटेक्टिव याको पेट्रोविच ये निष्कर्ष निकालते कि वेनिया ने ही मिस एलेना का हत्या पैसों के लिए किया होगा, लेकिन वेनिया बताता है कि मिस एलेना के पास पैसे थे ही नहीं, बल्कि वो किसी व्यापारी से इसलिए शादी कर रही थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे। वेनिया आगे बताता है कि वो और मिस एलेना एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब मिस एलेना ने किसी और से शादी करने का फैसला किया तो वेनिया उससे झगड़ने लगा और ना जाने कब उसने मिस एलेना की जान ले ली। डिटेक्टिव याको पेट्रोविच निकोलाय को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी की वजह से ये केस सुलझा। अगले सीन में हम निकोलाय को कुछ किताबें को जलाते हुए देखते हैं और उसका सवर्ण उसे ऐसा करने के लिए रोकता है और उनकी बातों से पता चलता है कि निकोलाय एक राइटर है जिसने किताबें छपवाई और वो अपनी ही किताबों को जला रहा है। निकोलाय सारी किताबों को जलाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह डिटेक्टिव याको पेट्रोविच आते हैं जो एक आधी जली हुई किताब को उठाते हैं। तब तक निकोलाय भी नींद से जाग जाता है और डिटेक्टिव याको पेट्रोविच उससे कहते हैं कि उन्हें एक राइटर की जरूरत है, जिस पर निकोलाय कहता है कि मैं आपका राइटर बन सकता हूँ। जिसके बाद हम निकोलाय और डिटेक्टिव याको पेट्रोविच को एक घोड़े गाड़ी में किसी गांव में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उस गांव में हाल ही में 3 लड़कियों का हत्या हुआ है जिसके छानबीन के लिए वो दोनों डिकन का गांव जा रहे होते हैं। पर फिर से रास्ते में निकोलाय को किसी लड़की का विजन आता है जिस लड़की के बारे में हमें आगे पता चलेगा। लाश की चीर फाड़ से निकोलाय काफी घबरा जाता है, इसलिए बाहर की साफ हवा लेने के लिए बाहर चला जाता है, पर तभी उस पर एक घोड़ा हमला कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो उसी लड़की के सामने होता है जिसका विजन उसे सफर में नजर आया था। उस लड़की का नाम लीजा था जो निकोलाय से बताती है कि उसके घोड़े ने बेकाबू होकर निकोलाय पर हमला कर दिया, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई। तभी वहाँ डैनिश वेज का एलेक्सी
नाम का आदमी आता है जो लीजा का पति होता है। निकोला और एलेक्सी गांव में हुए हत्या की बात कर रहे होते हैं कि अचानक से लीजा की तबीयत खराब होने लगती है। लीजा को एलेक्स दवा देता है जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। निकोला भी एलेक्सी से विदा लेता है और एलेक्सी का घोड़ा लेकर वहाँ से जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में उसे वही रहस्यमय घुड़सवार दिखता है जिसके शरीर पर बहुत सारे सींग निकले होते हैं। वो निकोला का पीछा करता है और निकोला उसे बचने के लिए अपने घोड़े को तेज दौड़ाता है और अनजाने में किसी विंडमिल के बड़े पंखे से टकराकर गिर जाता है। होश में आने पर उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है। लड़की अपना नाम उकसाना बताती है और उससे सवाल करती है कि उसे हुआ क्या था। निकोला बताता है कि उसके पीछे वही रहस्यमय घुड़सवार लगा हुआ है, लेकिन उकसाना कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं है। उकसाना उसे चाय देती है और निकोला उकसाना से तीन लड़कियों की हत्या के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि यहाँ तीन से ज्यादा हत्या हुए हैं। जिसके बाद अचानक से निकोला बेहोश होने लगता है और उसे लगता है कि शायद चाय में कोई बेहोशी की दवा थी। कुछ देर बाद उसे अपने बेड पर होश आता है और अगले सीन में हम निकोला को डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच के साथ देखते हैं, जिन्हें वो उकसाना के बारे में बताता है और ये भी कि वो उसे गांव के बाहर बने मिल के पास मिली थी। लेकिन पुलिस हेड अलेक्जेंडर से पता करने पर वो बताता है कि यहाँ पर 30 साल पहले एक मिल हुआ करता था, लेकिन अब कोई भी मिल नहीं है। डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच निकोला को लेकर गाँव के बाहर बने मिल के पास जाते हैं जो बहुत पुराना और टूटा फूटा होता है। लेकिन जब निकोला इससे टकराया था तब ये मिल एकदम सही सलामत था। तो क्या वो घटना सिर्फ उसका एक सपना था? ये पहली आगे सुलझेगी। निकोला सबके सामने उकसाना का जिक्र करता है जो मिल की ओनर की बेटी थी, जिस पर अलेक्जेंडर के साथ आया हुआ एक आदमी उसे बताता है कि 30 साल पहले यहाँ उकसाना नाम की लड़की रहती थी और शैतान ने उकसाना समेत दर्जनों लड़कियों को मार दिया था। रात में निकोला को फिर से सपना आता है जिसमें वो उकसाना को देखता है और उकसाना उससे किसी लेडी को ढूंढने को कहती है और वो उस लेडी को ढूंढने लगता है जो दरअसल एक शैतान निकलती है। नींद से जगने पर वो डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच को लेकर फिर से उसी मेल के पास जाता है जहां उन्हें एक लेडी का कटा हुआ हाथ मिलता है। वो दोनों वहां से वापस आते हैं और उन्हें वो लेडी मिल जाती है जिसका हाथ कटा था। दोनों उसका पीछा करते हैं और वो लेडी निकोला पर हमला कर देती है। भाग्य से डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच उसे बचाने आ जाते हैं, लेकिन वो लेडी अपने बचे हुए एक ही हाथ से उन्हें उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। इसके बाद वो निकोला का गला दबाने लगती है। इससे पहले कि वो निकोला को जान से मार सके पुलिस हेड अलेक्जेंडर उसे गोली मारकर ढेर कर देते हैं। सभी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये लेडी भी सभी हत्या के लिए जिम्मेदार है और अब ये कातिल मारा गया। इसलिए डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच और निकोला वापस जाने का तैयारी करते हैं। रात में लीजा निकोला से मिलने आती है क्योंकि वो अगले ही दिन चला जाएगा। दरअसल दोनों में ही थोड़ी नजदीकियां बन चुकी होती है, इसलिए दोनों भी किस शेयर करने के बाद इंटीमेट होते हैं, जिस दौरान उसे लीजा के बीच में कभी उकसाना तो कभी कोई और ही दिखाई देती है। इन्हीं सब के बीच उकसाना उसे कहती है कि जग जाओ वरना जिंदा जल जाओगे, जिसके बाद निकोला जागता है और अभी जो कुछ हुआ वो बस उसका सपना था। निकोला देखता है कि एक घर में आग लगी हुई है और उसके अंदर डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच उसी रहस्य में घुड़सवार से लड़ रहे होते हैं। निकोला उन्हें बचाने के लिए अंदर जाना चाहता था लेकिन गांव के लोग उसे जाने नहीं देते, जिसके कारण डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच की आग में झुलसकर ही मौत हो जाती है। अगले दिन अलेक्जेंडर निकोला के सामान के साथ डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच की जली हुई शव रखवाते हैं, जिससे वो अपने साथ उनकी शरीर उनके परिवार के पास ले जाए ताकि वो उसे श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन निकोला वहां रुकने का फैसला करता है क्योंकि असली कातिल अब भी खुला घूम रहा है। अब सीन उस लेडी की लाश की तरफ मुड़ जाती है जिसे अलेक्जेंडर ने गोली मारकर ढेर कर दिया था। उसकी लाश के पास रहस्यमय घुड़सवार यानी कि शैतान आता है और देखते ही देखते उसे जिंदा कर देता है, जिसके बाद वो लेडी बताती है कि निकोला के पास से उसे बहुत ताकतवर शक्ति का एहसास हुआ, जिसे सुनने के बाद वो शैतान फिर से उस लेडी को मार देता है और ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी के अगले सीन में हम एक आदमी को अपने घर से बाहर जाते हुए देखते हैं और उसकी पत्नी किसी को अपने घर बुलाती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि उस औरत का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज आती है और वो औरत उस आदमी को छुपने को बोलकर दरवाजा खोलती है, जहां उसे कोई नहीं मिलता लेकिन उसे वहां एक लाल कपड़ा मिलता है जिसे लेकर वो अंदर आ जाती है। फिर तभी पास में जल रही मोमबत्ती से हरे रंग का
का धुआं निकलने लगता है और साथ ही साथ लाल रंग का कोई लिक्विड जो खून की तरह दिख रहा होता है मोमबत्ती से निकलने लगता है और तभी वो लाल कपड़ा भी हवा में उड़ने लगता है। वो औरत और उसका आशिक एकदम डर जाते हैं और वहाँ सुअर जैसा कोई जीव दिखता है जिसके बाद उस औरत को कोई मार देता है। अगले दिन निकोलाय अलेक्जेंडर के पास जाता है जिसने उस औरत के आशिक को जेल में रखा होता है क्योंकि वारदात पर वही मिला और पुलिस ने सोच लिया कि उसी ने उस औरत की हत्या की थी। वो आदमी निकोलाय को सारी बातें बताता है और उन्हें उजागर करता है कि उस औरत को किसी शैतान ने मारा है। अगले सीन में हम पारक्षा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कपड़े धो रही होती है कि तभी उसे पानी में वही औरत दिखती है जिसकी हाल ही में मौत हुई थी। दरअसल वो औरत पारक्षा की माँ होती है। दूसरी तरफ निकोलाय किसी पेंटर की तलाश में होता है जो उसके लिए लोगों की पेंटिंग करता है जिससे उसे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। अलेक्जेंडर का साथी निकोलाय को एक पेंटर के पास ले जाता है जो अब लोहार का काम कर रहा होता है। पहले तो वो निकोलाय के साथ काम करने से मना कर देता है लेकिन निकोलाय उसे ये कहता है कि आज वो हत्यारा दूसरी लड़कियों को मार रहा है, कल वो तुम्हारी बेटी भी हो सकती है। जिस बात को सुनकर वो निकोलाय की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आप सभी उस औरत के घर जाते हैं जिसका कल मर्डर हुआ था। उसके घर में पहले से ही कुछ लोग होते हैं जो उसको दफनाने की प्रक्रिया पूरी करने आए थे। निकोलाय उस औरत के पति से सवाल करता है और किसी निशान के बारे में पूछता है जिस पर उसका पति बताता है कि उस निशान के ऊपर उन्होंने पेंट कर दिया। तभी वहाँ वही पेंटर आता है और विनेगर से दीवार को साफ करता है जिससे वो निशान दिखने लगता है। अब निशान देखकर निकोलाय को फिर से दौरा पड़ने लगता है जिस असर में वो पेड़ की ड्रॉइंग करने लगता है जो पेड़ किसी लिंडन ट्री की तरह दिख रहा होता है और वो लिंडन ट्री इसी घर के पीछे होता है। निकोलाय घर के सामान की तलाश लेने को कहता है क्योंकि उसका शक उस औरत के पति पर है, जिस पर अलेक्जेंडर कहता है कि घर में उसी घुड़सवार का निशान मिला है। जिस पर निकोलाय अलेक्जेंडर को बताता है कि घुड़सवार हमेशा नौजवान लड़कियों को ही मारता है जबकि ये औरत नौजवान नहीं है और जो निशान उन्हें इनके घर में मिला वो उल्टा निशान है, यानी कि उसके पति ने जानबूझकर ये निशान बनाए जिससे सबका शक घुड़सवार पर जाए। घर के सामान की तलाशी में उन्हें वो चाकू मिल जाता है जिससे उस औरत की हत्या की गई थी। इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद उसका पति अपना जुर्म स्वीकार करता है और अलेक्जेंडर से विनती करता है कि उसे उसकी बेटी की शादी के बाद गिरफ्तार करे क्योंकि कुछ ही दिन में परीक्षा की शादी होने वाली है। निकोलाय अब घर से मिली मोमबत्ती को छूता है और उसे अजीब तरह के विजन्स नजर आने लगते हैं जिसके बाद वो अलेक्जेंडर से कहता है कि उस औरत का पति हत्यारा नहीं बल्कि कोई और ही है। अलेक्जेंडर एकदम हैरान होता है और कहता है कि तुम ही तो उसके पति पर शक कर रहे थे, अब तुम ही कह रहे हो कि वो हत्यारा नहीं है जबकि सबके सामने उसके पति ने अपना जुर्म स्वीकार भी किया। लेकिन निकोलाय एक डॉक्टर की मदद से उस औरत के शरीर का पोस्टमार्टम करवाता है। डॉक्टर अपनी एंशियंट फोरेंसिक जांच से ये खोज करता है कि इसकी मौत चाकू मारने से पहले ही हो गई थी। दूसरी तरफ हमें परीक्षा को दिखाया जाता है जो राहत में अपने बिस्तर पर सो रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वो अपने पांव बिस्तर से नीचे करती है और उसकी माँ का भूत उसके पैरों को पकड़ लेती है। परीक्षा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और जंगल में चली जाती है जहाँ उसके पीछे वही घुड़सवार पड़ जाता है। लेकिन भाग्य से उसी जंगल में उसे निकोलाय मिल जाता है और दोनों उस घुड़सवार से छुपकर उस जंगल से बाहर आते हैं जहाँ उन्हें परीक्षा का मंगेतर मिलता है जो परीक्षा को निकोलाय के साथ देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में निकोलाय को जोरदार पंच मारता है जिससे निकोलाय वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उसे फिर से कुछ विजन्स नजर आते हैं जहाँ उसे फिर से ओक्साना दिखती है जो उसे बताते हैं कि निकोलाय भी उसी डार्क फोर्स का हिस्सा है जिस फोर्स से वो घुड़सवार बना है। अगर निकोलाय को उसे पकड़ना है तो उसे अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। अगले दिन परीक्षा की शादी का समारोह होता है जहाँ परीक्षा को उसकी माँ का भूत फिर से दिख रहा होता है। उस समारोह में गांव के सभी लोग होते हैं जहाँ निकोलाय डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसे केमिस्ट्री के बारे में पता है। डॉक्टर हाँ में जवाब देता है जिसके बाद निकोलाय उसे वही मोमबत्ती जांच करने के लिए देता है। मोमबत्ती की जांच करते ही डॉक्टर बताते हैं कि इसमें किसी तरह का केमिकल है जिससे लोगों को हेलुसिनेशन यानी भ्रम होने लगता है। तभी निकोलाय को उस औरत के पति की बात याद आती है जब उसके पति ने बताया था कि इस मोमबत्ती को उसकी बेटी पारक्षा ने बाजार से खरीदा था। निकोलाय को अब सब कुछ समझ आ गया होता है। वो परीक्षा के पिता के पास जाता है जो उन पर इल्जाम लगाता है कि तुम ही कातिल हो। पास ही बैठे पारक्षा और उसका पति भी ये सुन रहे होते हैं। निकोलाय आगे कहते हैं कि उस दिन मोमबत्ती से जब हरा धुआं निकला तो परीक्षा की माँ और उसकी आशिक को हेलुसिनेशन होने लगा जिससे वो कुछ समझ नहीं पाए। तभी सुअर का मांस लगाकर परीक्षा वहाँ आई और उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। लेकिन उसकी माँ डर की
वजह से चाकू मारने से पहले ही मर गई। निकोला आगे कहता है कि जब उसका हस्बैंड वहाँ आया तो उसने परस्का को घर से बाहर खून से रंगे हुए हाथ में देखा, पर अपनी बेटी को बचाने के लिए पहले तो घुड़सवार के निशान घर में बनाए और बाद में अपने ऊपर सारा इल्जाम लगा लिया। इस बात को सुनकर परस्का का पिता निकोलाय का गला दबाने लगता है और परस्का अपने पति के साथ जंगल की ओर भाग जाती है। जंगल में उसके पति का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो जंगल के बीच में ही फंसा रह जाता है, जबकि परस्का आगे निकल जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अपने पति के साथ ही है, जबकि उसके पति के रूप में उसकी माँ का भूत होता है जो अंत में अपनी ही बेटी परस्का को उस रहस्यमय घुड़सवार के हवाले कर देती है। इधर निकोलाय को अलेक्जेंडर परस्का के पिता से बचाते हैं और निकोलाय डॉक्टर यकीम और पेंटर जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें परस्का की माँ का भूत मिलता है जिसे डॉक्टर मोमबत्ती जलाकर भगाता है। पर अब अगले दिन पुलिस को परस्का की लाश मिलती है जिसके बाद हम निकोलाय को देखते हैं जो अपनी टीम बनाता है जिनकी मदद से वो रहस्यमय घुड़सवार को पकड़ेंगे। उसकी टीम में डॉक्टर, पेंटर और उसका सर्वेंट यकीम होते हैं। निकोलाय उस पेंटर जो लोहार भी होता है से डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच का बक्से का ताला खुलवाता है और वो जैसे ही उसे खोलने जाता है उसे फिर से कुछ विजन्स नजर आते हैं जहां उसे लीजा खतरे में दिखाई देती है, जिसका मतलब ये कि शायद वो घुड़सवार अब लीजा को अपना शिकार बनाएगा। मूवी के आखिर में हमें लाल कोट पहने एक व्यक्ति दिखाया जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो हम उसका चेहरा देख पाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच होते हैं और यही ये 3 सीरीज मूवी का पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको ये मूवी पसंद आई और इसका आगे का और 2 पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं इसका अगला पार्ट करने का सोच सकूं। और आज के वीडियो में इतना ही और ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको इसका आगे का चैप्टर देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।